जैसा कि यहाँ पे मनीष जो है आपको बिगनर्स के लिए बैक फ्लिप कैसे करना है इसकी जानकारी देने वाले हैं। जस्ट एक वन डेमो फर्स्ट। ओके, वाओ, दिस इज जस्ट द बिगिनर्स बैक फ्लिप, सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड दैट यू कैन नॉट डू। यू कैन डू, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। राइट, वेरी नाइस। हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस बार बिना हाथ के ही हो जाएगा। ओके मनीष, कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस को? हाँ, सबसे पहले क्या करना है? के लिए जंप बहुत हाई होनी चाहिए। ओके, इसलिए बार बार कोशिश करते रहो कि जंप जब करें तो हाथ सीधे रहे ऊपर। ओके, तो मनीष का कहना है कि बैक फ्लिप के लिए ओके पीछे भी सेफ है, काफी सॉफ्ट है। वाओ, ऑसम। ओके, तो मनीष इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा बैक फ्लिप सीखने के लिए? सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होगी। ओके, अपने कमर की। तो उसके लिए आप चक्रासन कर सकते हैं। चक्रासन कैसे करेंगे, एक डेमो? सिंपल, जमीन पर लेट के चक्रासन ये है, जैसा कि मैंने इसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। और फिर पुशअप, और उसके बाद ओके वेरी नाइस। उसके बाद आप चक्रासन करते हुए पुशअप भी कर सकते हैं। ओके ठीक, ओके उसके बाद नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट है कि आपको रोलिंग करना सीखना चाहिए। रोलिंग, ओके जब ओके ओके बॉडी को रोल कीजिए ताकि आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ओके ओके मीन्स अपने माइंड को ट्रेन करना है कि किस तरीके से जो है बॉडी हवा में रोटेट होगी ड्यूरिंग बैक फ्लिप। इस तरह से हमें करना है बॉडी को। ओके, इस तरह से पांच बार रोलिंग कीजिए। पांच बार रोल करना है मनीष के हिसाब से। ओके, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके ओके, रोलिंग के बाद हम लोग एक और एक्सरसाइज सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी बॉडी को जंप करना है। फॉर एग्जांपल, हाथ को पीछे ले जाना है, उसके बाद जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा, हाँ बॉडी को काफ़ी ऊंचाई पे ले जाकर अपनी कमर को पीछे झुकाना है ताकि आप बैक फ्लिप के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। ओके, तो आपको जब आप उछले उसी वक्त आपको घुटने पकड़ के अपने आप को घुमा देना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मनीष कि नेक्स्ट स्टेप इज कि हाउ टू टक योर बॉडी ड्यूरिंग फ्लिप, राइट? सो मनीष यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं कि बॉडी को कैसे टक करना है। या कैन यू सी दैट, मतलब हाथ ऊपर फिर पकड़ना, हाथ ऊपर पहले जंप करते हुए ले जाना है। ओह या, सो आई मीन इट्स नॉर्मल कि बिगिनर्स की एक्सरसाइज में आप जब आप टक करने जाओगे तो थोड़ा बहुत तो एग्जैक्टली क्योंकि आप जब टक करने वाले तो बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको रोटेट करने के लिए मजबूर कर देता है। ओके वेरी नाइस, कूल। ओके, तो हम बैक फ्लिप के लिए तैयार हैं। ओके या, वन टू थ्री, दस, कूल। ओके ओके, वाओ, दस, आसम, वंस मोर, या, नाइस। तो दिस इज जस्ट द बिगिनर्स बैक फ्लिप। मनीष भी जो है टक करना बॉडी को सीख रहे हैं कि किस तरीके से टक करना है। ओके ओके, या स्लोली एंड स्लोली विल लर्न कि हाउ टू टक योर बॉडी, कि अपने घुटनों को नीज को बेसिकली अपने चेस्ट से टच कराते हुए हाथों से पकड़ के रखना है, उसे टक करते हैं।